दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। व्यापम द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 400 पदों पर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वो कौन से 400 पद हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बाजू में बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो 400 पद जारी हुआ है, जल संसाधन विभाग यानी कि छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता सिविल भर्ती परीक्षा 2022 की ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसके आवेदन करने की प्रारंभिक अंतिम तिथि कब कब होगी, इसकी एग्जाम तिथि कब होगी, इसकी सिलेबस क्या होगी, इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आयु सीमा क्या छोड़ दी गई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के माध्यम से लिखित चयन परीक्षा आयोजित कर उप अभियंता सिविल के 400 पद के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी किया गया है। आप दिनांक भी देख सकते हैं कि 14/3/2022 को जारी हुआ, यानी कि आज ही के डेट पर जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 14 मार्च 2022 को सोमवार को, और इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 7/4/2022 यानी कि 7 अप्रैल 2022 को। इसके बाद जो त्रुटि सुधार होगा 8 से 10 अप्रैल 2022 तक दिया गया है। इसके बाद जो परीक्षा की तिथि संभावित आप मान लीजिए 8 मई 2022 को रविवार को होगा। कब होगा इसका? 8 मई 2022 को। अब ये परीक्षा के समय की बात कर लेते हैं, तो परीक्षा का जो समय है 10 बजे से 1:15 तक रहेगा, और परीक्षा का जो केंद्र होगा प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में होगा। इसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं, तो आयु सीमा आपका 1/1/2022 के प्रथम होना आवश्यक है, जनवरी 1/1/2022 के में, और 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट है सब इंजीनियर सिविल का है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको 150 का होगा और घंटा 3 घंटे का। अब देखिए सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस है। जनरल नॉलेज के 15 नंबर का रहेगा, नॉलेज आप कंप्यूटर से 15 नंबर का, और रिसोर्सिंग यानी कि तर्क शक्ति से 10 नंबर का। जनरल नॉलेज यानी कि रिलेटेड टू वर्क अप्लाइड पोस्ट यानी कि जनरल नॉलेज से आपका 10 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 50 नंबर का हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं दूसरा सिलेबस, सेक्शन बी का सिलेबस है। यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए आपका मार्क्स 100 नंबर का रहेगा, 100 टोटल, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 150 नंबर का रहेगा और 150 प्रश्न रहेंगे। ऐसी वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पर पटवारी की तैयारी कराया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।